What's up everyone, welcome back to another video. And I'm just making this video after a long time, after eternities, you know. But this video is about the free testers that I got from Rumi Fragrances. ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैंने कोई ऐसे याद किया हुआ है, मैं सुना रहा हूँ. इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ रूमी फ्रेगरेंसेस की तरफ से मैंने कुछ फ्री टेस्टर्स मंगवाए थे. अच्छा, फ्री इन अ सेंस के जस्ट शिपमेंट कॉस्ट पड़ी है मुझे, वो है 250 रुपीज़. आपको भी 250 ही पड़ेगी. अरे वाओ, इट्स नॉट अ बिग डील यार, यू कैन गेट. बहुत मजे के ज़बरदस्त किस्म के परफ्यूम है, ठीक है. परफ्यूम हैं लेकिन उनके इंप्रेशंस हैं और उनके आगे से टेस्टर्स हैं जो कि 10 ml के आए थे. व्हाट, मैंने 4 मंगवाए हैं, 4, और वो 4 के 4 जो हैं टॉप नॉच हैं, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं. और इन फ्यूचर आई एम गोना बी थिंकिंग टू बाय द बिगर बॉटल ऑफ दैट. सो लेट मी शो यू. ओके, सो इस तरह की कुछ पैकेजिंग आती है इसकी, ठीक है, रूमी फ्रेगरेंसेस. और मैंने जो इम्प्रेशंस मंगवाए हैं, सबसे फर्स्ट है क्रीट एवेंटस. इस तरह की कुछ बोतल मिलती है, रोल ऑन बोतल होती हैं ये, ठीक है. सो ये भी फ्रंट कैम है तो फोकस नहीं करेगा, बट ये क्रीट एवेंटस है. और ये है डन हिल डिज़ायर, ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट. ब्लूडी शनेल, ये ब्लूडी शनेल, ठीक है, फोकस नहीं कर रहा, आई नो. और ये है 1 million, ठीक है. अच्छा, अब ये करते हैं कि 1 by 1 टेस्ट करते हैं कौन सा अच्छा. अच्छा, तो अभी सबसे पहले ट्राई करते हैं ब्लूडी शनेल, ठीक है. इस तरह की रोल ऑन किस्म की ये है बोतल है, ठीक है, ट्राई करते हैं इसको. इनक्रेडिबल, बहुत अच्छा, स्वीट सैप. अच्छा, अब है बेस्ट, लास्ट में ट्राई करेंगे, ठीक है. डन हिल डिज़ायर, थोड़ा सा डिफरेंट जगह पे लगाते हैं. स्वीट एंड सावर काइंड ऑफ. इसमें असल में होता ही है कि इसमें नोट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट नोट्स होते हैं जो कि थोड़े थोड़े टाइम बाद पता चलते हैं, जैसे कि फर्स्ट नोट, सेकंड नोट, थर्ड नोट, आई डोंट नो. अरे कहना क्या चाहते हो? बट इसी तरह होता है, कुछ टाइम के बाद इनकी थोड़ी थोड़ी जो है ना फ्रेग्रेंस चेंज होती रहती है. अच्छा, अब ट्राई करते हैं क्रीट एवेंटस. मच बेटर. अच्छा, इन दोनों से सबसे पहले जो अच्छा है ना वो मुझे लग गया है ब्लूडी शनेल, उसके बाद आता है डन हिल डिज़ायर, और उसके बाद आता है क्रीट एवेंटस, ठीक है. तीनों में विजिबल डिफरेंस है, ठीक है. अच्छा, मैं अभी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता कि भी इसमें ये, इसमें वो होता है ना ऑरेंज, लेमन, और वो जो नोट्स होते हैं, आई कैन नॉट गो इनटू दैट. कैजुअली बता देता हूँ कि कैसे लग रहा है मुझे. सबसे पहले जो था ब्लूडी शनेल था, ठीक है, वो काफ़ी स्वीट है. और फिर उसके बाद डिज़ायर है, वो थोड़ा सा सावर है, थोड़ा सा मतलब ऐसे फील होता है कि थोड़ा सा ना ऑरेंजिश या सिट्रिक काइंड ऑफ इसमें आता है. फिर एवेंटस जो है थोड़ा सा और जो है ना मुझे तेज़ लगा है. और ये नहीं है कि बुरे हैं, बुरा है, अच्छा है, तीनों अपनी जगह बहुत बेस्ट है. अच्छा, मेरे जो बिलीव शेक हुए, मैंने 1 million के बारे में ना बहुत सुना था कि ये बहुत अच्छा परफ्यूम है, मतलब इसकी जो ओरिजिनल बोतल आती है वो गोल्ड की ब्रिक की तरह होती है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है. तो उस वक्त मुझे मतलब एक माइंड में था यार 1 million ना, तो मैंने ये मंगवाया, ठीक है, इसका टेस्टर. और आप इसकी बड़ी बोतल भी ऑर्डर कर सकते हो रूमी फ्रेगरेंस से, और आई थिंक बड़ी बोतल है 1500-1600 इस तरह होगी, ठीक है. अच्छा, अब ट्राई करते हैं द बेस्ट 1 million. ओह माय गॉड, मतलब ये तीन एक साइड पे हैं, ठीक है, और ये एक साइड पे 1 million. मैं अगर मंगवाया
तो डेफिनेटली 1 मिलियन की बड़ी बोतल मंगवाऊंगा, क्योंकि मुझे ये इतना पसंद आया ना, मतलब गो टू परफ्यूम है। सो 250 रुपीज़ इज नथिंग, मंगवाओ अपनी मर्ज़ी के, वहाँ पे आप डिफरेंट और भी सिलेक्ट कर सकते हो, परफ्यूम्स मंगाओ, ट्राई करो। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फिर मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ। तो टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो अल्लाह हाफिज़।